हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप का पूरे मैसेज, वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो जो भी है हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, कभी गायब ना हो, मतलब बैकअप में रहे, तो कैसे करना है? अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे आप यहाँ पे, और उसके बाद ऊपर जो तीन डॉट है यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पर आएँगे और यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ बैकअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे गूगल अकाउंट, यहाँ पे आपको अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपका जीमेल है वो, और यहाँ पर उसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो स्क्रीन पे अलाउ का ऑप्शन आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये इसको अलाउ करना चाहते हैं, तो हाँ हम कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है और ये बैकअप ओवर वाईफाई ओनली, तो वाईफाई कनेक्ट रहेगा तब बैकअप होगा, लेकिन इसको हम अगर चेंज कर देते हैं वाईफाई और सेलुलर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैकअप होने लगेगा। लेकिन यहीं पर देखिए नीचे में दिखा है इंक्लूड वीडियो, इंक्लूड वीडियो पर क्लिक करेंगे तब जाके हमारे व्हाट्सएप का वीडियो बैकअप होगा। अगर आप इसको ऑन नहीं करते हैं इंक्लूड वीडियो को, तो वो बैकअप नहीं होगा, सिर्फ जो टेक्स्ट है, फ़ोटो है, वो जाके बैकअप होगा। तो वीडियो बैकअप करना चाहते हैं तो इंक्लूड वीडियो पर इसको ऑन करके रखेंगे, बैकअप टू गूगल ड्राइव, और यहाँ पे है निवर। निवर मतलब जब हम करेंगे तभी होगा, या नहीं तो डेली, वीकली, मंथली, मतलब डेली का होगा, हफ्ते का होगा, महीने का होगा, और निवर पे जब हम करेंगे तब बैकअप होगा। तो ये हमारा जो व्हाट्सएप का जो भी मैसेज है उस हमारा गूगल ड्राइव में बैकअप होकर चला जाएगा। जब भी व्हाट्सएप हमारा डिलीट हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम उसको डाउनलोड करेंगे तो रिस्टोर करके जो भी मैसेज है ला सकते हैं हम। बहुत अच्छा है तरीका ये, मतलब व्हाट्सएप पे कोई प्राइवेट मैसेज है, कोई अच्छा है, मतलब उसको हमेशा आप रखना चाहते हैं, कभी बाय द वे अचानक से अगर व्हाट्सएप डिलीट हो गया तो आपको बैकअप में रहेगा, तुरंत डाउनलोड करके उसको ला सकते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप थर्ड पार्टी ऐप से, गूगल का नहीं है, तो आप ये तो आपका गूगल ड्राइव व्हाट्सएप से लिंक हो गया, लेकिन इसको आप अनलिंक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो वो क्या करना होगा, गूगल पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर गूगल पे आएँगे, व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि अपने गूगल अकाउंट से जो भी थर्ड पार्टी ऐप को अगर लिंक किए हैं, मतलब बहुत सारे ऐप्स ऐसा होता है कि जब उसको डाउनलोड करते हैं और साइन इन करना पड़ता है तो ऊपर फेसबुक का, गूगल का ऑप्शन आता है, आप गूगल पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली आपका उस अकाउंट से उस पर साइनअप हो जाता है उसी पासवर्ड से। तो अगर उसको आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको अनलिंक कर देना बेहतर, अनलिंक कर देना चाहिए। तो कैसे करेंगे, ऐसे गूगल में आना है, फिर इधर यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर गूगल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे इधर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी ऐप्स विथ अकाउंट एक्सेस। तो अभी हम आज कॉर्नर इस्तेमाल किए हैं, तो उस कॉर्नर को अब हम अनलिंक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर नेट स्लो है तो कुछ समय लग सकता है, तो फिर से कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, जो हमारा ऐप से कॉर्नर, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया रिमूव एक्सेस, तो हम इसको रिमूव पे क्लिक कर देते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा थर्ड पार्टी ऐप जो है वो रिमूव हो गया। अभी हम कुछ देर पहले व्हाट्सएप को लिंक किए, तो व्हाट्सएप को रहने देते हैं। तो इस तरह से कोई भी थर्ड ऐप्स है जिसको आप कभी अलाउ करके गूगल आई डी से, जो गूगल का जीमेल का आई डी है उससे अगर साइन अप कर चुके हैं, तो उसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब भविष्य में कभी कोई ख़तरा ना हो। जो ऐप्स गूगल का है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप्स है, जैसे हमने अभी व्हाट्सएप से बैकअप का एक्सेस लिया, लेकिन इसको अभी हम बंद करना चाहेंगे, तो फिर इसी पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे और रिमूव एक्सेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या, इससे हमारा अकाउंट बिल्कुल सेफ रहता है।